नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को फैक्ट वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सब बेस्ट है, मस्त है, स्वस्थ है। चलिए शुरू करते एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक, प्रिय दोस्त, क्या आप लोग बता सकते हैं दुनिया का सबसे पुराना जीव कौन है, क्या नाम है उसका? ये जीव अभी भी हम लोग का धरती पे मौजूद है। चलिए ये रहस्यमय जानकारी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम हाजिर होते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है एक मछली। आप सुन के हैरान हो जाएंगे। हाँ दोस्त, आपने सही सुना, एक मछली जिसका नाम है ब्लू हेल, जो 500 साल से भी अधिक पुराना है और वो अभी भी हमारे धरती पे मौजूद है दोस्त। एक नन्हे व्हेल लगभग 4 मीटर लंबी होती है। इनका वजन 4000 किलोग्राम तक होता है। इनका आकार बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि ये समुंदर का छोटे मछली को खा जाता है। ब्लू हेल पृथ्वी का सबसे पुराना और बड़ी जीव माना जाता है। इसकी लंबाई 110 फीट तक होती है और इनका वजन 18000 किलोग्राम तक होता है। दुनिया में व्हेल की लगभग 90 प्रजाति पाया जाता है। ये व्हेल का वजन एक हाथी के बराबर होता है और इसका दिल का वजन एक गल्फ कार की बराबर होता है। दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस मछली का रक्त वाहिका इतनी चौड़ी होती है जो आप इसमें तैर सकते हैं। वाले मछली पृथ्वी को सभी महासागर में पाए जाती है। वाले मछली एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए सुपर लाउड धनिया की एक श्रृंखला बनाते हैं दोस्तों, जो सैकड़ों किलोमीटर दूरी भी सुनी जा सकती है। इसलिए वाले मछली की आवाज़ को पृथ्वी पर सबसे दूर तक सुने जाने वाली आवाज़ भी कहा जाता है। ज़्यादातर वाले मछली अपने दांतों में शिकार करते हैं, लेकिन जो किलर वाले होते हैं उसका पीठ में एक बड़े पंखे होता है जिसमें वो शिकार करते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार में वाले मछली का मांस, हड्डियां और अस्थियों एक मेडिसिन रूप में उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको पता है ये वाले मछली और डॉल्फिन दोनों ही इंसान की तरह सांस लेता है? हाँ दोस्तों, ये वाले या डॉल्फिन स्तनधारी है। ये अपने फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है, ठीक वैसा जैसे हम लोग लेते हैं। ये मछली की तरह पानी के भीतर से सांस नहीं ले सकते, क्योंकि इनके पास गल्फर नहीं होते हैं दोस्त। वाले नथुन से सांस लेता है, जिसको ब्लोहोल्स कहा जाता है, जो उनके सिर के ठीक ऊपर स्थिति होता है। पहले पानी के अंदर 35 मिनट से 2 घंटे तक सांस रोक सकती है। किसी भी स्तनपायी की तुलना में वाले एक प्रवास सबसे लंबी होती है। हैम्पबैक वाले हर साल लगभग 10,000 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर लेती है दोस्त। ब्लू हेल संसार का सबसे बड़ा जीव है और ये दुनिया का सभी महासागरों में पाई जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लू हेल इस पृथ्वी पर लगभग 5 करोड़ सालों से मौजूद है। ब्लू हेल जब महासागरियों पर लड़ाई करती है तो वन्यडुब्बी और जहाज को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। ब्लू हेल की अनेक प्रजाति है, जैसे हर साल 90 प्रजातियों का मिलन एक साथ होता है कहीं ना कहीं सागर में। 20वीं सदी के शुरुआत में ब्लू हेल पृथ्वी में लगभग सभी महासागर में बहु अधिक मात्राएं पाया जाता था, लेकिन लगातार एक सदी तक इनका शिकार किए जाने के कारण ये लगभग विलुप्त होने का कगार तक पहुंच गई है। ब्लू हेल 30 मीटर तक लंबी और इनका वजन 180 टन तक हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक ब्लू हेल की जीप एक अफ्रीकी बोन हाथी के बराबर होता है, और इनका दिल कम से कम एक
गोल्फ गाड़ी के आकार का होता है। इनका दिल की धड़कन को 2 मील की दूर से भी सुना जा सकता है। दोस्तों आप जान के हैरान हो जाएंगे, ये ब्लू व्हेल मछली बहुत कम सोती है। यह 3 महीने तक बिना सोए भी रह सकती है। सोने समय इनका दिमाग आधा जगता है और आधा सोता है। अगर ये गहरी नींद में सो जाए तो यो डूबकर मर सकती है। दोस्त ब्लू व्हेल जब भोजन करती है तो एक बार में 4 से 5 टन भोजन अकेले कर लेती है, क्योंकि ये 200 दिन भी ना खाए ना पिए रह सकता है। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप ब्लू व्हेल के बारे में बात कर रहे तो हर बात टोन के हिसाब से बात करें। दोस्तों प्रिय दोस्त, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये बेल आइकन को नोटिफिकेशन टिपे इसको नोटिफाइड करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेके आएंगे आपके सामने में। आप कमेंट्स में बांटिए, बताइए वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग सुस्त रहे, मस्त रहे, खुशी से रहे, यही मेरी दुआ है। नमस्कार।